जमाना ही ऐसा आ गया आजकल, वरना ये बुढ़िया बैठी मेरी दादी की उम्र की, मेरी माँ की ताई की उम्र की बुढ़िया बैठी, इन्हें बेचारियों में कोई साड़े नहीं था जिंदगी में, इतने काम धंधे में बिजी रह करती है, काले पीले सूट सिमाने का इनके पास टाइम नहीं था। लेकिन आजकल ए आंटी जमाना ऐसा बदल गया, ये आजकल महारे नई नई पन्नो आवे से ने, बुरा मत मानियो जी, ये पढ़ी लिखी तो होगी ज्यादा, ये पुरानी बुढ़िया तो सारी अनपढ़ गुंठा टेक, थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जावे, सासू के लिए नुसीन पसा के रखा करती, और आज कल ली तो पढ़ी लिखी तो होगी ज्यादा, एएनएम जीएनएम जेबीटी प्रभाकर बीए बीएड एमए एमफिल दुनिया भर की डिग्री लेकर के आती है, और ये लड़ाई नहीं करती ना, जुबान की बहुत मिठी आवे, सासू ने तो आते कंट्रोल में करेंगी, आते बड़ी प्यारी प्यारी बोलेगी, मम्मी जी सुनो, पहले सुनो सुनो सुनो, ये आज कराली कैसे प्यार से काम लेती है सासू माँ से, मम्मी जी मैं टीवी देख लू, एक कप चाय का बनाओ ना प्लीज मम्मी जी, अरे भगवान की सुनू, मम्मी जी कहते इन बुढ़िया का खखाट पट है, ले बेटी चाय ले बेटी दूध ले बेटी जूस, हे मेरी लाडो हे मेरी बेटी, कितनी मिठी बोल रहा है, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके 24 घंटे रेल बना कर रखा बुढ़िया, इन बुढ़िया ने यू कौन बेरा चल रहा है, फिल्म कौन सी चढ़ रही है बेचारी ने, लाड लाड में काम करती डोल है, वो छोर आया 1.5 महीने पाछा छुट्टी, सुनो आगे सुनो, छोर आया 1.5 महीने पाछा छुट्टी, यू बोले माँ तू यहाँ भूजी भूजी क्या मिरेस है, यू बोली रे छोड़ किसी बन्नो ब्याह के लिया उसे, ये सारा काम धंधा ब्याह था पहले भी मैं करा करती, ई भी मन ने करना पड़े से, यू बोले ये माँ लड़िया कर दमाग धमकाया कर, बहू है तेरी काम लिया कर, मैं क्या मना करूं, बोली रे के ओड्डा लेकर लड़ू रे के बहाना लेकर लड़ू, सारे पड़ोस में भलाई ले रही है जुबान के कारण, काम का हाथ लाती मीठी मीठी बोल रहे, पड़ोसी मैंने कहा बहुत अच्छी बहू है, और बेटा जी मैं बाहर कहूंगी अपने घर की बुराई करूंगी तो बेटा वो भी शोभा को नहीं देगा, छोरा जी बोले माँ तेरी सारी बात ठीक से, पंत्री को मैं बता दूंगा या तड़के लग जाएगी, काम करके बता बेटा कि आप एक काम करांगे, आप काम के पाछा दोनों माँ बेटा लड़ाई करांगे, अगो किया अब तू सवेरे सवेरे झाड़ू नहीं काटे करे, हाँ मैं तेरे हाथ में तो बुहारी खोसूंगा, मैं कहूंगा मैं मारूंगा बुहारी, तूने कह दिया मैं काटूंगी झाड़ू, मैं कहूंगा मैं काटूंगा झाड़ू, अरे यार शर्माती यू सोचेगी तू झाड़ू को नहीं काटती काम को नहीं करती, माँ बेटा की काम के पाछे लड़ाई हो रही से, अरे अपने आप हाथ में तो लेकर झाड़ू लाग जाएगी काम कर, बोले हाँ बेटा तरीको तेरा ठीक सा, सवेरे सवेरे वो छोरा उतर के आया चौबारे में, उसकी माँ तो प्लानिंग के मुताबिक लाग की झाड़ू काट, अरे बोले ए माँ, उस बहू ने सुना के बोले ये तू बूढ़ी हो रही, इतनी उम्र को डरारी काम करने की, एक घर में तो बहू बैठी, कोई बात नहीं मैं भी तेरा बेटा हूँ, वानी बुहारी काटती होगी तो मैं मार दूंगा बुहारी, यूं बोली ना रे बेटा, पड़ोसी ने कह देंगे छोरा बुहारी काटे शोभा नहीं देगा, मैं मारूंगी बुहारी, मैं काटूंगा झाड़ू मैं काटूंगी झाड़ू, सुन के मैडम ने भी जाग आ गई, उतर के आई आते बोली किस बात पे झगड़ा हो रहा आप लोगों का है, छोरा न्यू बोला तन्ने दिखाई नहीं दे रहे हो, मेरी माँ तो न्यू को ऐसे मैं मारूंगी बुहारी, और मैं न्यू को सो मैं काटूंगा झाड़ू, बोली फिर इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है, तो हमें बारी बांध लियो, एक दम तेरी माँ काट लिया करेगी, एक दम तू काट लिया कर बावड़ा, सुझाव देने में भी तगड़ी आपकी, मार को दिखाओ एंटी, आजकल वाले की बात बताऊं मैं, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, बुरा मत मानियो, कभी बहू ने सोचा है फौजी चुगली लगा के हमारी सासू माँ का, ऐसा नहीं है जी, ये तो एक हंसी मजाक की बातें होती है, ये तो बातों में से बात निकल आती है, चुटकुले बन जाते हैं और फिर अगली